आकाश में उड़ते हुए बेखबर से दिखाई पड़ने वाले इन पक्षियों के लिए दाने की खोज में मीलों का सफर तय करना कोई नई बात नहीं है। उसी तरह गरीबी की मार झेल रहे गांव वालों के लिए भी काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना एक आम बात हो चुकी है। छोटे परिवार तो आसानी से शहर का रुख कर लेते हैं, लेकिन बड़े परिवारों के लिए शहर की ओर जाना भी मुश्किल होता और उन्हें जिंदगी और भूख की लड़ाई जारी रखना पड़ती। ऐसी ही जिंदगी जी रहा था हिमाचल के झाझा गांव में वीरेंद्र। आय का साधन ना होने के कारण वीरेंद्र और उसके परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मेरे घर में मैं और मेरे माताजी और पिताजी और बहन रहते हैं। पहले हमारा जो है कमाई का साधन कुछ नहीं था और मैं बहुत बहुत परेशान था। बेरोजगार वीरेंद्र को काम की तलाश में नाकामयाबी ही हाथ लगती और घर वालों से ताने सुनना रोज की बात थी। जैसे जैसे दिन बीतते वीरेंद्र की परेशानियां बढ़ती जाती। आखिरकार थक हार कर वीरेंद्र ने पंचायत में जाकर अपनी परेशानी बताई। पंचायत के सदस्यों ने वीरेंद्र को सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना के बारे में बताया और साथ साथ उसका जॉब कार्ड भी बनवाया। मेरे पास एक व्यक्ति जो कि बहुत ही परेशान था, वीरेंद्र कुमार जी आए। हमने उन्हें मनरेगा योजना के बारे में पूरी जानकारी दी और उनका जॉब कार्ड तैयार किया। 100 दिन के काम की गारंटी वाली इस योजना में जॉब कार्ड बनने के बाद वीरेंद्र को काम मिलने लगा। और अगर काम नहीं मिलता तो उतने दिन का बेरोजगारी भत्ता मिलता है। आज महात्मा गांधी नरेगा में काम करके वीरेंद्र बहुत खुश है और अपने परिवार को अच्छी तरह पाल रहा है। मैं आज नरेगा में काम कर रहा हूँ और मेरे परिवार की जो है आर्थिक स्थिति ठीक चल रही है, जिससे कि मेरा परिवार का गुजारा अच्छी तरह से चल रहा है और मैं नरेगा की इस स्कीम से बहुत खुश हूँ। बरसों से जिस खुशी की राह वीरेंद्र तक रहा था, ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी नरेगा योजना ने उस खुशी के सब रंग आज उसके जीवन में भर दिए हैं।